अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिलीशियस फूड टीवी। सबसे पहले तमाम व्यूअर्स को रमज़ान मुबारक। आज जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है गार्लिक बटर पराठा, जो कि सहरी में बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। तो चलिए आज की रेसिपी का आगाज करते हैं। सबसे पहले आधा कप व्हीट फ्लोर लेंगे, उसके बाद 1/4 कप मैदा और साथ में 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। अब हम 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे। वन टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। अब हम इन सब को मिक्स कर लेंगे। वन एंड हाफ टेबल स्पून घी यूज कर लेंगे, आप ऑयल भी यूज कर सकते हैं। अब हम अपने आटे को अच्छे से गूंद लेंगे। हमारा आटा रेडी हो गया है, अब हम इसे हाफ एन आवर के लिए रख देंगे। यहाँ पे 2 टेबलस्पून मेल्टेड बटर ले लेंगे, 1 क्लोव चॉप्ड गार्लिक ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून फ्रेश कोरिएंडर ऐड कर लेंगे, 1 फ्रेश ग्रीन चिली ऐड कर लेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा गार्लिक बटर रेडी हो जाएगा। ये देखें हमारी डो राइज हो गई है, अब हम इसके अच्छे से पेड़े बना लेंगे। अब हम इसको रोली पिन के जरिए बेल लेंगे। अब हम गार्लिक बटर का मिक्सचर चारों तरफ लगा देंगे। अब इस तरह से इसकी लेयर्स बना लेंगे। अगर आप अपने तरीके से बनाना चाहते हैं तो आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं।
मैं यहाँ थोड़ा सा ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो देसी घी या दूसरा घी भी यूज़ कर सकते हैं। माशाल्लाह से हमारे पराठे का कलर बहुत ही अच्छा निकला है और क्रिस्पी सा रेडी हुआ है। उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी और मेरी रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।